राम रहस्य उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा तीसरा भाग। तीसरे भाग में उपनिषद का तीसरा अध्याय है। इसमें वेदी या यंत्र जिस द्वारा विभिन्न राम मंत्रों का जाप किया जाता है उसकी रूपरेखा बताई गई है। उपनिषद सनक और अन्य सन्यासियों ने हनुमान से आग्रह किया, हे अंजना के शक्तिशाली पुत्र, कृपया हमें उस वेदी के बारे बताओ जिसके माध्यम से बताए गए विभिन्न मंत्रों का जाप किया जाता है। हनुमान ने उत्तर दिया, तो सुनो, सबसे पहले आप सब लोग यह जान लो कि वेदी या यंत्र का जो आकार होता है वह छह पक्षों वाला, छह कोनों वाला षटभुज होता है। इस षटभुज के मध्य में राम का बीज अक्षर जो राम है वह अक्षर श्रीम के साथ लिखा जाता है। इसके नीचे दूसरे कोने में अन्न की आहुति होती है जिसे साध्य कहते हैं। उसके ऊपर छठे कोने में साधकम लिखा जाता है जिसका मतलब है निरंतर भक्ति। इन सब का घेरा बनाए हुए ओम लिखा जाता है। दक्षिण पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशाओं में तथा सामने वाले कोनों में पके हुए चावल रखे जाते हैं। तब क्रमवार ये हृदय मंत्र लिखे जाते हैं, राम रीम रूम रैम रोम राह तथा बीज अक्षर। यहां हृदय मंत्रों का जाप किया जाता है। कोनों के पीछे राम तथा माया के बीज अक्षर हैं। कोनों पर वराहम हुम लिखा जाता है। इन सब के ऊपर काम बीज राम है और उसे घेरे हुए वाक क्लीम है। उसके बाद आठ पत्तों के तीन चक्र हैं। पत्तों पर आठ के समूहों में छह अक्षरों वाले राम मंत्र लिखे जाते हैं। पांच अक्षर वाले मंत्र से ये समाप्त होता है। फिर से है आठ पंखुड़ियों वाला कमल। पंखुड़ियों पर आठ अक्षरों वाला नारायण मंत्र ओम नमो नारायण नाय लिखा जाता है। हरेक पंखुड़ी के मूल पर श्री बीज लिखा जाता है। हरेक पंखुड़ी के मुख पर श्री बीज लिखा जाता है। उसके बाद है बारह पंखुड़ियों वाला कमल। पंखुड़ियों पर बारह अक्षर वाला वासुदेव मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा जाता है। यह उनके अगले हिस्से पर भी सभी दिशाओं में गोल आकार तरीके से लिखा जाता है। पंखुड़ियों पर बारह अक्षर वाला राम मंत्र राम नमो भगवते रामचंद्राय हम फट के साथ लिखा जाता है। पंखुड़ी के सामने वाले हिस्से में माया बीज क्लीम लिखा जाता है। हरेक के सामने दो चक्रों में हराम श्राम भ्राम ब्रह्मम श्रूम जराम लिखा जाता है। ये सब एक चक्र में है। उसके बाद आता है 32 पंखड़ियों वाला कमल। पंखड़ियों पर मंत्र राज नरसिंह अनुष्टुभ लिखा जाता है। इनके सामने सबके मंत्र
इनका नाम दर्शाते हुए लिखे जाते हैं। आठ वसुओं के मंत्र, 11 रुद्रों के मंत्र तथा 12 आदित्यों के मंत्र। बाहर तथा इन सब को घेरे हुए है वशट। उसके बाद तीन रेखाओं का भूपुरा है जो 12 दिशाओं में है और जो सभी राशियों से सुशोभित है। इनमें निवास करते हैं 8 नाग। 4 दिशाओं में है नरसिंह बीज तथा बीज की दिशाओं में है वराह बीज। सब कुछ शामिल करने वाली यह वेदी, सब कुछ शामिल करने वाले वाला यह यंत्र सभी इच्छाएं पूरी करता है और यह मुक्ति या मोक्ष भी प्रदान करता है। एक अक्षर वाले मंत्र से आरंभ करके और 9 अक्षर वाले मंत्र से संपन्न होकर यही यंत्र है, यही वेदी है। और 10 अक्षरों वाला मंत्र इस वेदी का आवरण बन जाता है। व्यक्ति राघव की अंग न्यास द्वारा षटभुज के मध्य में पूजा किया करे। पहले चरण में सभी कोनों पर अंग न्यास किया जाता है। उसके बाद 8 पंखड़ियों के जड़ पर, फिर स्वयं के प्रारंभिक आवरण पर, फिर वासुदेव तथा अन्य के आवरण पर, फिर 8 पंखड़ियों के आधार पर तथा गाय के आवरण पर, फिर हनुमान तथा अन्य के आवरण पर, फिर 12 पंखड़ी वाले पर, वशिष्ठ के आवरण पर, फिर 16 पंखड़ी वाले पर तथा नीले कमल के आवरण पर, फिर 32 पंखड़ी वाले पर तथा ध्रुव के आवरण पर, फिर भूपुरा में तथा इंद्र के आवरण पर, फिर इनमें बाहर वज्र आवरण पर। इस प्रकार आहुति देते हुए व्यक्ति चुपचाप मंत्रों का जाप किया करे। अब उस वेदी का विवरण किया जाता है जो 10 अक्षर वाले मंत्र से शुरू होकर 31 अक्षर वाले मंत्र तक की पूजा में प्रयोग की जाती है। सबसे पहले 6 भुजाओं वाला षटभुज बनाया जाता है। उसके मध्य में लिखा जाता है इष्ट का नाम। काम बीज इसे घेरे हुए है। बाकी के 9 मंत्र इसे घेरे हुए हैं। षटभुज के 6 कोनों पर अंग न्यास किया जाता है तथा इन बीच वाली दिशाओं के आगे पीछे भी अंग न्यास किया जाता है। ये बीच वाली दिशाएं हैं दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम। मुख पर श्री माया बीज लिखा जाता है। कोनों में क्रोध लिखा जाता है। तब पहला चरण। उसके बाद 8 पंखुड़ी, पंखुड़ियों पर 6 के गुणकों में गोल आकार तरीके से सभी दिशाओं में इन सब को घेरे हुए मंत्रों के अक्षर लिखे जाते हैं। इसके बाहर है भूपुरा जिसके 8 भालों जैसे नोक हैं। सभी दिशाओं में है नरसिंह तथा वराह। यह महान यंत्र है, यह महान वेदी है। अधर शक्ति ही विष्णु की पूजा का आधार है। अधर शक्ति ही विष्णु की पूजा का आसन है। पहला चरण अंग न्यास का है। मध्य में है राम, बाई ओर है सीता, उन दोनों के सामने है धनुष और बाण। 8 पंखुड़ियों के आधार पर है
हनुमान के दो आवरण, तीसरा आवरण गाय का है, चौथा आवरण इंद्र का है और पांचवा आवरण वज्र का है। इस प्रकार वेदी की भक्ति भाव से पूजा करते हुए व्यक्ति 10 अक्षर वाले तथा अन्य राम मंत्रों का जाप किया करे। इसके साथ ही उपनिषद का तीसरा अध्याय व तीसरा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।